शाही लकड़ हर एक किस्से की राजनी होगी। सजनो जिस वक्त राजा और रानी अपने महल के अंदर सोए हुए, दोनों के अंदर एक बड़ी शर्त लग जाती है। रानी कहती कि ये शेर की आवाज है और राजा कहते कि ये गीदड़ की आवाज है। दोनों की शर्त लग गई कि अगर गीदड़ की आवाज हुई तो मैं 12 साल के लिए वनवास में चली जाऊंगी, अगर शेर की आवाज हुई तो राजा को वनवास के लिए जाना होगा। तो सजनों मंत्री को भेजा गया और उसमें रानी जीत जाती है। और रानी ने मन में सोचा अगर राजा चले गए वनवास के अंदर तो इस राजपाट में कौन संभालेगा। तो सजनों वो रानी हार जाती है और राजा उसको वनवास दे देते हैं। 12 साल के वनवास के लिए रानी पेट से गर्भवती थी। सजनों रहते सहते कुछ दिन वैवाहित होते हैं और एक लड़का जन्मता है जिसका नाम रखते हैं लोगों शाही लकड़हारा, क्योंकि वो शाही खानदान से था। और लकड़हारा वो रानी बन में लकड़ी काट के गुजारा करती है और उसका नाम लकड़हारा रख देती है। सजनों लकड़हारा 14 साल कुछ महीने का हुआ, उधर से बिन्ना और बेला बाग में झूलने के लिए जाती है। उसके पिता ने एक परवाना लिख के टांग रखा, उस पर लिख रखा कि वह इंसान इस धरती पे पैदा होता है कौन किसके कर्म का खाता है। सजनों जब बिन्ना ने परवाना पढ़ा उस पर दोबारा लिख दिया कि जो इंसान इस धरती पे पैदा होता है अपने कर्म से खाता है और इस दुनिया के अंदर अपना कारोबार चलाता है। सजनों इस बात का पता राजा को चला कि मैं तो सोचू था कि दुनिया मेरे कर्म का खावा है, मैं देखूंगा तेरे कर्म ने, तू आज तेरा कर्म का कुकर खाओगी। सजनों मंत्री को बुलाएगा, जाओ इसकी शादी कंगाल के साथ में कर दो, जिसका घर नहीं हो, काम नहीं हो, कोई ठिकाना नहीं हो। तो सजनों ढूंढते ढूंढते उस लकड़हारे के पास में आ जाते हैं जहां पर वो लकड़हारा लकड़ी काटता बेचारा, और पकड़ लिए दोनों हाथ राजा के सामने ले गए। बोला भाई क्या करोगे, बोला भाई ब्याह करांगे तेरा। सजनों वो बन के अंदर रहता था, उसने न्यू भी नहीं बेरा था ब्याह के चीज हो, ब्याह के बीमारी है। बिना की उसके साथ में शादी कर दी और वहां से चल पड़ते हैं। जब वो लकड़हारा आगे आ गए बिन्ना उसके पीछे पीछे चलती है तो दोनों की कैसे बातें होती हैं, क्या लिखा है इस रागनी में, बड़ी सुनने की सुंदर रागनी है, बड़ी धार्मिक बात है। लेकिन ऐसे ही बैठे रहिए, जैसी भी आपकी फरमाइश होगी वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। हेलो 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 सुनिए मेरी बात। हाँ बोलिए। आज सुबह सुबह तैयारी तैयारी रोजाना का काम है मेरा, रोजाना का काम। हाँ लेकिन आज आप अकेले नहीं जाओगे। देखिए देवी पहले तो आप ये बताइए आप कौन हैं। अच्छा हाँ। यहाँ भी बतानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी बिल्कुल आपको, इसा जमाना देखा कदे। सजनो लकड़ा रंजू निभेरा ब्याह के चीज हो है, आप कौन है? ब्याह के लिए इतने नीम क्यों नहीं बेरा कि मैं कौन हूँ? अरे ब्याह की मैं उंदा भी होगा। ये लो जी इसने ब्याह बीमारी का बिना बेरा कौन है बेरा? कौन है तो अपनी बात बताता ना, सारी बात बताऊंगी ब्याह क्या चीज हो गया है। मैंने को बावली तू तारा घर उल्टी चली जा। बिल्कुल ना जाओ। अरे मेरे पास में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ना, रहने के लिए घर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, फास्ट रख लेंगे, फास्ट फास्ट या क्या बीमारी, व्रत रख लेंगे व्रत, घर नहीं मेरा काम नहीं, बावली में बन मरा आकर फिर मैं भी गल्ला रह लूंगी, गल्ला रह लेगी बिल्कुल। अरे मैं तो लकड़ी काट के बनिए का लकड़ी गेड़ा हूँ, लेकिन लकड़ी काटने मैं चालूंगी, सिर्फ अब रोटी उठा के लाऊंगी, टेंशन ना ले।
देख ले गरीब आदमी के न्यू साथी हो दुनिया न्यू कह नहीं जमाना बदल गया लेकिन गरीब आदमी के साथी हैं भाई ने 100 रुपए से मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद मेरी बात सुन भी ना हाँ? तू राजा की लड़की है पहले थी अब ना इब तो भीख मंगा गया आगे गरीब का आगे तो फिर राजा की लड़की थोड़ी ना रहेगी अच्छा हाँ मेरी बात सुन जानते है सुनाइए सुन मशर पे काट लाकड़ी लाऊं तो मैं भी हाथ कुल्हाड़ा ठाऊं हाथ दिखा तेरे देखियो रे सुनो सुनो अगर ये हाथ लाकड़ी काटने के क्यों लाकड़ी काटने के हैं रोटी पोन के हैं ना ना आज लाकड़ी मैं काट के लाऊंगी मशर पे काट लाकड़ी ठाऊं मेरी हाथ कुल्हाड़ा ठाऊं मशर पे काट लाकड़ी ठाऊं मेरी हाथ कुल्हाड़ा ठाऊं चाहूं कोइया काना ना करे रब ना दुख पावे की इशा ठिकाना ना करे मशर पे काट लाकड़ी ठाऊं मैं भी हकीकत बताऊं हकीकत जब मेरी माँ गुजर गई मेरी 5 साल की उम्र थी अच्छा जब से लकड़ी काटता हूँ और इस जंगल के मैं गुजारा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं परमात्मा ने इतनी विपता दे दी भी ना किसी मानस पे नहीं आज विपता और विपता में तू दुख पाओगी मैं दुख ना पाऊँ बराबर साथ निभाऊंगी साथ निभाओगी बिल्कुल सुन ले मेरी बात सुनाइए मोटा है जबर जेड़ते
किसी राजा का लड़का के लिए शादी करनी चाहिए थी। ना ना मैंने क्या चाहिए, मैंने क्या जरूरत राजा महाराजा की। अरे मेरा तो एक टाइम का चून भी कोने बावली। कोई दिक्कत ना, लकड़ी काट काट के कमा लेंगे। अच्छा हाँ। किसे राजा महारा चान ढोले, राजा महारा चान ढोले प्याले गशर से रहते। राजा का के लेना मने मतलब से तेरे ते। मेरा तो तुम बिना हाँ? ये सारी चीज अच्छी है। मेरे ते अच्छा कांदोर कोड़ा बालम सही ये साता भोला। मेरे ते अच्छा कांदोर कोड़ा बालम सही ये साता भोला कोड़ा वो कहने जाना। तेरा दुर्बल बाणा रही साथी कहना हाथ रुपए बताऊं कैसे समझ गया? ये 1100 रुपए अपनी तरफ से इन दोनों कलाकारों को भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह दुनिया हनी बड़ी जाल साज की है। दुनिया न्यू कहेंगे गरीब की बहु सब की भाभी। न्यू भाभी किस तरह का, देख मेरे पैर में जूता हुआ है। तेरे तो है, मेरा तो ब्योत खो रहा। मैं हूँ तू टेंशन किस चीज की, दुख में तेरा साथ निभाऊंगी, सुख में हरदम साथ निभाऊंगी। और तने क्या चाहिए? साथ निभाऊंगी बिल्कुल। अरे तू मखमल के गद्दा पर सोया करती करती में लौट लगाऊंगी। बता कड़े सोना पड़ेगा तेरे धरती में। मैं बताऊंगा तेरा कड़े सोना पड़ेगा। कड़े सुनाइए। अरे नहीं खान ने रसन असन के तार लाओ है। आसन का अधना मतलब योगा। भाई साहब सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, एक के मिनट के लागने दे ध्यान रुक जाओगा सबका, एक मिनट प्लीज। नहीं खान ने रसन आसन धरती के मलाऊं, दुख में तेरा साथ निभाऊं। दुख में दुख और सुख में तेरा साथ निभाऊं। मैं तो तले बिछाऊं बोरी पिया सब सुख की पूरी। मैं तो तले बिछाऊं बोरी पिया खाट सूत की पूरी। फिर ओ पिया खाट सूत
छाऊं बोरी पिया काट सूत की कोरी रे पेरी पैदे सिरहाना जमाना है मॉडर्न तो बिना मॉडर्न हो बिना तेरी उम्र 16 यानी 16 और बिना तन मेरा नहीं मेरा कितनी उम्र 14 सवा 14 साल की उम्र है मेरी। अच्छा तो नू सोच ले नू का करे घर इणा हो जो लोगों लेकिन वर इणा नहीं होना चाहिए। अरे चाल के रणा चावा सया पदमर सा की रटोई जितनी तू समय जैसे साजने उतनी कोन्या भोली उतनी कोन्या भोली या गोली रखी निशान सत की तेरे वचना में बंदगी या गोली रखी निशान सत की रामे उल्हाना रबी कर तेरा रसा सरा काम बगाना ना करे बबड़ पे काट लकड़ी